Hello, welcome to my channel. Here's a new topic, Advanced Java, and it's MCS 51. First, how to install Servlet engine and web server. First, we will discuss what is Servlet. What are servlets? The basics of Java servlet, different interface of servlet. When we are using our website, dynamic website, there is two things. First is a client, two sides, client side or server side. So servlet is basically used for server side. So here is in the previous book here you already studied about the applets. Applets are used for front end or for static websites, and with the use of applets we can use that website or in our dynamic content. And here we will study about the servlet. So what are servlet? Java servlets are the small platform independent Java program that run in a web server or application server and provide server side processing such as accessing a database, e-commerce transactions. Java servlet जो होते हैं वो बहुत small होते हैं और ये platform independent होते हैं, मतलब कि Java programs जो कि काफी किसी भी platform पे चल सकते हैं that run in a web server. ये web server application में run होते हैं और provide server side processing. जो server side की processing होती है उसमें ये काम आते हैं. अगर आप चाहें कि सर्वर क्या है, तो सर्वर जैसे कि हम कोई भी वेबसाइट यूज करते हैं, जैसे कि हम यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, तो जो हमारा डेटा जहां पे सेव होता है हमारा, तो वो सर्वर साइड होती है. और अगर हम वहां से कुछ क्वेश्चंस आस्क करते हैं, वहां से हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर के पास, तब वो हमें रिस्पॉन्स देता है. तो यही सब है यहाँ पर. तो जिस तरीके से हम कुछ वेबसाइट्स पे हम क्वेश्चंस पूछते हैं और हमें वापस आंसर आता है, तो वो कहाँ से आता है, सर्वर साइड से. तो इट दिस इज अ सर्वर. तो सो सर्वर इज सर्वर साइड प्रोसेसिंग सच एज यूज फॉर एसेसिंग डेटाबेस, डेटाबेस को एसेस करने के लिए, और ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन के लिए यूज होती है. सर्वलेट्स आर वाइडली यूज फॉर वेब प्रोसेसिंग. वाइडली हम वेब प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं. सर्वलेट आर डिजाइन टू हैंडल HTTP रिक्वेस्ट. जो भी HTTP की रिक्वेस्ट होती है उनको हैंडल करने के लिए यूज किया जाता है. इसमें गेट और पोस्ट मैटर होता है और स्टैंडर्ड जावा रिप्लेसमेंट फॉर वैरायटी ऑफ अदर मैटर्स इंक्लूडिंग CGI स्क्रिप्ट, ASP, एक्टिव सर्वर पेजेस. सर्वलेट ऑलवेज रन इनसाइड अ सर्वलेट कंटेनर. और सर्वलेट हमेशा कंटेनर में ही के अंदर ही रन होता है. एंड सर्वलेट कंटेनर इज नथिंग, सर्वलेट कंटेनर कुछ भी नहीं, एक वेब सर्वर है जो हैंडल करता है यूजर की रिक्वेस्ट को और उन्हें जनरेट करता है. सर्वलेट कंटेनर डिफरेंट फ्रॉम वेब सर्वर, और वेब सर्वर से सर्वलेट कंटेनर डिफरेंट है बिकॉज इट इज ओनली मीन फॉर सर्वलेट, नॉट फॉर अदर फाइल्स. और ये खाली सर्वलेट्स के लिए बनता है, अदर फाइल्स के लिए नहीं बनता. जैसे कि आप चाहें कि HTML के लिए यूज करें तो ये नहीं बनेगा. तो हम यहाँ पर सर्वलेट्स के बारे में ही पढ़ेंगे कि सर्वलेट कंटेनर रिस्पॉन्सिबल होता है लाइफ साइकिल सर्वलेट की लाइफ साइकिल को मेंटेन करने के लिए. सर्वलेट क्लासेस शुड इंप्लीमेंट द जावा x.servlet.servlet इंटरफेस. दिस इंटरफेस कंटेन 5 मेथड विच मस्ट बी इंप्लीमेंटेड. तो दीज थिंग्स वी आर स्टडिंग इन दिस वीडियो. फर्स्ट वी हैव टू हाउ टू इंस्टॉल सर्वलेट इंजन एंड सर्वर. सो हाउ टू इंस्टॉल सर्वलेट इज जावा class, therefore needs to be executed in Java VM by service. We call servlet engine. It's mostly contained in servlet engine or may be embedded as a module. Some web servers such as Sun Java Server, W3 Jigsaw, Gaffian software, light web server are implemented in Java and have inbuilt servlet engine. Other web server are Netscape Enterprise Server, Microsoft Internet Information Server and Apache Group engine or add on mobile. Examples are there of servlet engine are Gaffian software, vehicle runner and IBM WebSphere and live software Jiren and new Atlanta exe. We will use Tomcat 4.0 for our servlet. You shall need to have JDK. Iske liye aapke computer mein already JDK 1.3 install honi chahiye on your system, jisse ki hum usko Tomcat ko us pe work kar sake. If you do not, agar nahi hai to aap usko javasun.sun.com से
कर सकते हैं. तो टॉमकैट 4.0 इज एन ओपन सोर्स, ये एक ओपन सोर्स है और फ्री सर्वलेट कंटेनर जेएसपी इंजन है. इट इज डेवलप्ड बाय अपाची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन जकार्ता प्रोजेक्ट एंड इज अवेलेबल फॉर डाउनलोड http://jakarta-apache.org/tomcat और मोर स्पेसिफिकली http://jakarta-apache.org/site/bin-index.h. चूज द लेटेस्ट टॉमकैट, और जो आप टॉमकैट का जो वर्जन होगा वो लेटेस्ट होना चाहिए 4.0 और जो भी अभी लेटेस्ट है. वंस यू अगर आप जब आप उसको डाउनलोड कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप होता है इंस्टॉलिंग का, और अनजिप फाइल में भी होता है और जो डायरेक्टरी के लिए सुटेबल होता है. विंडो यू कैन जेप सी है, सी डायरेक्टरी में भी प्ले सकते हैं इसको. एंड टॉमकैट फाइल्स नाउ विल यू हैव टू क्रिएट, इसके लिए हमें टू एनवायरमेंट क्रिएट करने होंगे, एक कैटेलिना होम और एक जावा होम. तो यू शैल हैव जावा होम ऑलरेडी क्रिएटेड इफ यू हैव इंस्टॉल जावा. अगर आपने किट से डाउनलोड किया तो ऑलरेडी जावा आ जाता है उसमें, अगर नहीं है तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा. तो कैटेलिना होम सी जकार्ता टॉमकैट इस टाइप से आप कर सकते हैं. आप बुक में चेक कर लीजिएगा, इसका पूरी डिटेल दी हुई है. टू क्रिएट इन एनवायरमेंट को क्रिएट करने के लिए आप नेट पे देख सकते हैं, सारी डिटेल्स मिल जाएगी. अब हम जावा सर्वलेट का जो फर्स्ट प्रोग्राम है वो भी आप बना सकते हैं. अगर आप सर्वलेट आर बेसिकली डेवलप फॉर सर्वर साइड, सर्वर साइड के लिए होते हैं और एचटीटीपी रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए होते हैं. इसमें जावा सर्वलेट एपीआई जो है वो स्टैंडर्ड पार्ट J2 एंटरप्राइज एडिशन प्लेटफॉर्म है. और इसके एडवांटेजेस क्या हैं ये हम देख लेते हैं. एडवांटेजेस, ये फास्टर है अदर सर्वर एक्सटेंशंस के, जैसे कि CGI होता है, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट प्रोसेस मॉडल यूज होता है. और ये स्टैंडर्ड API सपोर्ट बाय मैनी वेब सर्वर्स, और सिंस सर्वलेट आर रिटन इन जावा सो सर्वलेट्स आर पोर्टेबल, क्योंकि जावा में रिटन है तो ये पोर्टेबल है. एंड ऑपरेटिंग सिस्टम पोर्टेबल बिटवीन सर्वर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, दे हैव ऑल द एडवांटेज ऑफ जावा. जो भी जावा लैंग्वेज की एडवांटेजेस हैं वो इसमें हैं, इंक्लूडिंग ईज ऑफ डेवलपमेंट. दे कैन एक्सेस द लार्ज सेट ऑफ API अवेलेबल फॉर जावा प्लेटफॉर्म. तो जावा सर्वलेट प्रोग्राम आप में देख सकते हैं. कंपाइलिंग द रनिंग द सर्वलेट, और अगर हम जब हम प्रोग्राम को लिखते हैं उसके बाद वी ऑल गोज टू हेलो वर्ल्ड, और अगर हम हेलो वर्ल्ड क्लास का एक प्रोग्राम इसमें डेवलप कर सकते हैं और उसको ब्राउजर में ओपन कर सकते हैं. तो इसके लिए लोकल होस्ट जो हमारा होता है वो 8080 होता है, तो हमें 8080 पोर्ट पे जाना पड़ेगा. टॉमकैट में तो ये ऑलरेडी डिफॉल्ट होता है. जस्ट लाइक एन एप्लेट सर्वलेट डज नॉट हैव मेन मेथड, सर्वलेट में मेन मेथड नहीं होता है. सर्वर इन द प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग रिक्वेस्ट, ईच टाइम द सर्वर डिस्पैचेस अ रिक्वेस्ट टू अ सर्वलेट इट इनवोक्स द सर्वलेट सर्विस मेथड. अ जेनेरिक सर्वलेट शुड बी ओवरराइड इट सर्विस मेथड टू हैंडल रिक्वेस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द सर्वलेट. द सर्वलेट द सर्विस मेथड एक्सेप्ट्स टू पैरामीटर्स, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट. जैसे मैंने आपको कहा है कि जैसे कि क्लाइंट अगर कोई रिक्वेस्ट भेजता है तो उसके बाद सर्वर वहां पे रेस्पॉन्स भेजता है. तो यहाँ पे टू पैरामीटर्स हो गए, ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट. तो नाउ वी विल कम टू सर्वलेट लाइफ साइकिल. लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट, सर्वलेट आर नॉर्मल जावा क्लासेस विच आर क्रिएटेड व्हेन नीडेड. जब हमें इनकी जरूरत होती है तब हम इनको क्रिएट करते हैं और उसके बाद हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं जब हमें जरूरत नहीं होती. तो जावा सर्वलेट की जो लाइफ साइकिल है, हाउ द सर्वलेट इज लोडेड, किस तरह लोड किया जाता है, इनिशियलाइज किया जाता है, हाउ इट रिसीव्स और किस तरह ये रिसीव होता है, रेस्पॉन्ड करता है रिक्वेस्ट के लिए, एंड हाउ इट इज टेकन आउट ऑफ सर्विस इन कोड. द सर्विस सर्वलेट लाइफ साइकिल इज डिफाइंड बाय द javax.servlet.servlet इंटरफेस. से सर्वलेट रन विद इन अ सर्वलेट कंटेनर, और ये सर्वलेट कंटेनर के अंदर रन होता है. और क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन जो होता है ये ड्यूटी, ये सर्वलेट्स की ड्यूटी होती है सर्वलेट कंटेनर की. तो इंप्लीमेंट करने के लिए हम इनिट मेथड यूज करते हैं और डिस्ट्रॉय करने के लिए डिस्ट्रॉय मेथड यूज करते हैं. सर्वलेट इंटरफेस अलाउ यू टू होल्ड बाय द सर्वलेट कंटेनर, ये अलाउ करता है सर्वलेट कंटेनर को होल्ड करने के लिए. एंड वाज क्रिएटेड इंस्टेंस ऑफ सर्वलेट व्हेन इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय द इंस्टेंस. एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर दैट इट दैट इज दैट योर सर्वलेट इज नॉट क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड फॉर एवरी रिक्वेस्ट, ये हर उसके रिक्वेस्ट के लिए नहीं होता है. एंड इट इज क्रिएटेड एंड कैप्ट इन मेमोरी वेयर रिक्वेस्ट आर फॉरवर्डेड टू इट. और जब रिक्वेस्ट इसके पास आती है तो वो उनको अपनी मेमोरी में कैप्ट कर लेता है. एंड योर सर्वलेट देन जनरेट्स अ रिस्पांस, और उसके बाद वो रिस्पांस जनरेट करता है. तो जब हम इसको डिस्ट्रॉय करते हैं तो ये गार्बेज कलेक्शन में चला जाता है. देयर आर थ्री प्रिंसिपल्स, थ्री स्टेजेस हैं सर्वलेट इनिशियलाइजेशन,
सर्वलेट एग्जीक्यूशन एंड सर्वलेट डिस्ट्रक्शन. तो ये सब आप पढ़ सकते हैं, बुक में है ऑलरेडी डिटेल में, मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ. अब आते हैं हम HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस. ये स्टेजेस थी जो मैंने आपको बताई कि इनिट मेथड, इनिशियलाइजेशन, एग्जीक्यूशन एंड डिस्ट्रक्शन, सर्वलेट डिस्ट्रक्शन, ये इसकी स्टेजेस हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे. अब आते हैं हम HTTP रिक्वेस्ट इंटरफेस. HTTP जो रिक्वेस्ट इंटरफेस है इसमें टू इंपॉर्टेंट फेजेस होते हैं, API HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट और सर्वलेट रिस्पॉन्स. अभी हम रिक्वेस्ट पढ़ रहे हैं, तो रिक्वेस्ट में क्या होता है, एनकैप्सुलेट द फंक्शनैलिटी फॉर अ रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट. ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटी को एनकैप्सुलेट करती है और पास करती है HTTP सर्वलेट. ये एसेस देती है इनपुट स्ट्रीम को एंड सो अलाउ टू सर्वलेट टू रीड डेटा फ्रॉम द क्लाइंट, जिससे कि सर्वलेट जो क्लाइंट का जो डेटा है उसको रीड कर सके. द इंटरफेस ऑल्सो प्रोवाइड और ये मेथड विद पासिंग इनकमिंग HTTP फॉर्म डेटा एंड स्टोरिंग द, और इस फॉर्म डेटा में इंडिविजुअल डेटा वैल्यूज इसमें होती है. गेट पैरामीटर नेम्स एंड रिटर्न द नेम ऑफ द फॉर्म्स कंट्रोल वैल्यू एंड पेयर्स रिक्वेस्ट पैरामीटर. दीज कंट्रोल वैल्यू पेयर्स आर यूजुअली स्टोर्ड इन एन एनुमरेशन ऑब्जेक्ट. सच ऑब्जेक्ट्स आर ऑफन यूज्ड फॉर वर्किंग विद एन ऑर्डर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. तो बेसिकली इसमें यही होता है कि हम जो भी क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है वो रिक्वेस्ट इसमें होती है, तो ये क्लाइंट की रिक्वेस्ट के लिए ही होता है, और जो हमारा रेस्पॉन्स होता है उसमें सर्वलेट उसको आंसर करता है उसकी जो भी क्वेरीज होती हैं. तो इसके भी कुछ मेथड्स हैं वो देख लेते हैं. गेट कुकीज, गेट क्वेरी स्ट्रिंग, गेट सेशन, गेट हेडर, गेट पैरामीटर. तो वी कैन आई विल एक्सप्लेन दीज मेथड्स इन सम फ्यू लाइंस. सो इट रिटर्न्स अ गेट कुकीज, इट रिटर्न्स एन एरे कंटेनिंग ऑल द कुकीज प्रेजेंट इन दिस रिक्वेस्ट. कुकीज कैन बी यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई क्लाइंट्स टू सर्वलेट. इफ देर नो कुकीज इन द रिक्वेस्ट देन एन एम्प्टी एरे इज रिटर्न्ड. तो ये एरे जो होती हैं ऑल द कुकीज में प्रेजेंट होती हैं उनको रिटर्न करता है. और कुकीज कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाई, और ये यूनिकली आइडेंटिफाई होती है क्लाइंट्स की. अगर कुकीज नहीं है तो वो एरे एम्प्टी रिटर्न हो जाएगी. अब आता है गेट क्वेरी स्ट्रिंग. जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इट रिटर्न क्वेरी स्ट्रिंग प्रेजेंट इन द रिक्वेस्ट URL इफ एनी. अ क्वेरी स्ट्रिंग इज डिफाइंड एज एनी इन्फॉर्मेशन फॉलोइंग क्वेश्चन मार्क कैरेक्टर इन द URL. इफ देर इज नो क्वेरी स्ट्रिंग दिस मेथड रिटर्न्स नल. एंड थर्ड मेथड इज गेट सेशन. गेट सेशन रिटर्न द करंट वैलिड सेशन एसोसिएटेड विद दिस रिक्वेस्ट. इफ दिस मेथड इज कॉल्ड विद नो आर्ग्यूमेंट अ सेशन विल बी क्रिएटेड फॉर द रिक्वेस्ट. इफ देर इज नॉट ऑलरेडी अ सेशन एसोसिएटेड विद द रिक्वेस्ट, इफ दिस मेथड इज कॉल्ड बुलियन आर्ग्यूमेंट, देन द सेशन विल बी क्रिएटेड ओनली इफ द आर्ग्यूमेंट इज ट्रू. तो इसमें क्या होता है, रिटर्न द करंट वैलिड सेशन एसोसिएटेड विद दिस रिक्वेस्ट. जो करंट सेशन होता है उसको रिटर्न करती है. इफ दिस मेथड इज, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है तो सेशन विल क्रिएट फॉर द रिक्वेस्ट. तो रिक्वेस्ट के लिए सेशन क्रिएट किया जाता है. नॉट ऑलरेडी सेशन अगर कोई भी एसोसिएटेड इससे नहीं है, और इसको हम इस मेथड को हम कहते हैं बुलियन आर्ग्यूमेंट. और ये तभी क्रिएट होता है जब आर्ग्यूमेंट ट्रू होता है. टू एंश्योर द सेशन इज प्रॉपरली मेंटेन द सर्वलेट डेवलपर मस्ट कॉल दिस मेथड. और प्रॉपरली मेंटेन हो इसके लिए सर्वलेट डेवलपर को ये मेथड कॉल करना पड़ता है. रिस्पॉन्स कमिट हो जाती है इसमें. इफ क्रिएट फ्लैग इज सेट, रिस्पॉन्स इज कमिटेड. इफ द क्रिएट फ्लैग इज सेट टू फॉल्स, अगर फॉल्स होता है तो नो सेशन इज एसोसिएटेड, देन दिस मेथड विल रिटर्न नल. नाउ वी कम टू गेट हेडर. रिटर्न द वैल्यू ऑफ द रिक्वेस्ट हेडर, द मैच बिटवीन द गिवन नेम एंड रिक्वेस्ट हेडर इज केस इनसेंसिटिव. इफ द हेडर रिक्वेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट द मैटर रिटर्न्स नल. एंड देन वी कम टू गेट पैरामीटर स्ट्रिंग नेम. रिटर्न द वैल्यू ऑफ एसोसिएटेड विद अ पैरामीटर सेंड टू सर्वलेट एज अ पार्ट ऑफ गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट. द नेम रिक्वेस्ट रिप्रेजेंट्स द पैरामीटर नेम. नाउ वी कम टू रिस्पॉन्स, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स. जैसे कि हमने उसमें देखा था, इसमें हमने इट प्रोवाइड HTTP रिक्वेस्ट इंटरफेस में प्रोवाइड्स इनपुट स्ट्रीम्स सो एज टू फॉलो द सर्वलेट डेटा क्लाइंट फ्रॉम क्लाइंट. और रिस्पॉन्स में हमारा अपोजिट हो जाता है. द इंटरफेस सर्वलेट रिस्पॉन्स कैन सर्वलेट द फंक्शनैलिटी ऑफ रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट दैट इज टर्न टू द क्लाइंट फ्रॉम HTTP सर्वलेट. इट प्रोवाइड एसेस टू एन आउटपुट स्ट्रीम. इसमें यही डिफरेंस है. अगर डिफरेंस बिटवीन कभी आता है तो आप इसको लिख सकते हैं, और याद करने के लिए बहुत ईजी है. तो वहां पर इनपुट स्ट्रीम है, यहाँ पे आउटपुट स्ट्रीम है. सो अलाउ द सर्वलेट टू सेंड द डेटा टू द क्लाइंट. यहाँ पे डेटा सेंड किया जा रहा है, और
रिक्वेस्ट में हमारा पास किया जा रहा था टू रीड द डेटा फ्रॉम द क्लाइंट. ठीक है, देन अ की मेथड गेट राइटर विच ऑब्टेन रेफरेंस टू प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट इन दिस यूज टू सेंड द टेक्स्ट ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट to the client. Every call do get or do post or HTTP servlet receives an object that implements interface HTTP servlet response. The web server that executes the server creates an HTTP request object and passes this to the servlet service method. Hence, this object contains the response to the client. A variety of methods are provided to formulate the response to client. Some of these methods are listed here. Add cookie, send error, get writer, get output stream and send redirect. So we will discuss in few lines these methods. Add cookie. It is used to add the specified cookie to the header of the response. Cookies add करने के लिए header of response में हम इसको use करते हैं. और ये multiple times हम इसको call कर सकते हैं more than one cookie. और ये जो method है ये response commit होने से पहले इसको किया जाता है. So that कॉल किया जाता है सो दैट अप्रोप्रिएट हेडर कैप जिससे कि अप्रोप्रिएट हेडर सेट हो सके. द कुकीज मैक्सिमम एज वेदर द क्लाइंट अलाउज कुकी टू बी सेव डिटरमाइन वेदर और नॉट कुकी विल बी स्टोर्ड ऑन द क्लाइंट. नाउ वी कम टू सेंड एरर. इट सेंड्स एन एरर रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट यूजिंग स्पेसिफाइड स्टेटस कोड. अगर कोई एरर होती है तो ये क्लाइंट को स्पेसिफाइड एरर का स्टेटस दिखाता है, अगर नहीं है तो If a message is provided to this method, is emitted as response body. Otherwise, the server should return a standard message. Otherwise, the standard message body for the error code देगा. This is convenience method. ये बहुत convenience है. Immediately commence the response. No further output should be made the servlet after calling this method. Now we come to get writer. It obtain character based output stream. Enable text data. ये text data enable के लिए होता है. Get output ये byte based होता है. It obtains byte-based output stream and enables binary data to send to the client. Now send the redirect. To it sends temporary redirect response to the client using the specified location. The given location must be an absolute URL and relative URL are not permitted and throw an illegal argument exception. This method must be called before the response is committed. Response commit होने से पहले इसको call किया. This is a convenience method that immediately commit the response. No further output is made by the servlet after calling this method. Now we come to session tracking. Session tracking. What is session tracking? जिस तरीके से हम हमारी जैसी कोई वेबसाइट है, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे पास पे कौन सा क्लाइंट आया. अगर वो क्लाइंट दोबारा आया तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो क्लाइंट ऑलरेडी हमारी साइट पे आ चुका है और उसने क्या क्या यहाँ पर देखा है. तो इसी को सेशन ट्रैकिंग कहते हैं. सेशन ट्रैकिंग के थ्रू हमें जान सकते हैं कि जो क्लाइंट हमारा आया उसने क्या क्या कौन हमारी साइट पे क्या क्या देखा, कितनी बार विजिट किया. यही सब सेशन ट्रैकिंग होता है. सेशन ट्रैकिंग में हमें पता चलता है. तो मैनी वेबसाइट्स टुडे प्रोवाइड कस्टम वेब पेजेस और फंक्शनैलिटी ऑन अ क्लाइंट बाय क्लाइंट बेसिस. फॉर एग्जाम्पल सम वेबसाइट्स अलाउ यू टू कस्टमाइज देयर होम पेज टू सूट्स योर नीड्स. और जो डायनामिक वेबसाइट्स में क्या होता है कि अगर क्लाइंट उसको ओपन करेगा तो वो पेज वेब पेज दूसरी तरीके से दिखेगा और अगर जो पर्सन है एडमिनिस्ट्रेटर है तो वो उसको दूसरे तरीके से दिखेगा. ठीक है, तो जो सेशन है ये कुछ टाइम के लिए हम इसमें सेशन ट्रैकिंग करते हैं. एक्सीलेंट एग्जाम्पल इसमें है याहू की वेबसाइट. इफ यू गो टू द याहू वेबसाइट एंड यू कैन ऑप्टिमाइज हाउ द याहू सेट साइट अपीयर्स टू यू इन फ्यूचर व्हेन यू रीविजिट. एंड HTTP जो है ये HTTP एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है. स्टेटलेस प्रोटोकॉल क्या होता है, जहां पर डेटा सेव नहीं होता है. आपने जो भी देखा उसके बाद जब आप वापस जाते हैं तो हमें नहीं पता चलता कि वही कस्टमर दोबारा आ रहा है, वहां पे क्लाइंट आ रहा है. इट प्रोवाइड नो वे ऑफ सर्वर टू रिकॉग्नाइज किस तरीके से हम रिकॉग्नाइज करें. फॉर ऑफ रिक्वेस्ट इज ऑल फ्रॉम द सेम क्लाइंट. तो प्राइवेसी एडवोकेट्स में कंसिडर दिस फीचर. इसके लिए हमने वट इट कॉजेज प्रॉब्लम बिकॉज मैनी वेब एप्लीकेशन आर नॉट स्टेटलेस. लेकिन बहुत सारी वेब एप्लीकेशन स्टेटलेस नहीं है, लेकिन जहां स्टेटलेस है वहां पे सेशन हम ट्रैकिंग यूज कर सकते हैं. जैसे कि शॉपिंग कार्ट, हमने कहीं पे शॉपिंग की, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है. क्लाइंट कैन पुट आइटम्स इन हिज वर्चुअल कार्ट. क्लाइंट ने वहां पे कुछ आइटम वर्चुअल कार्ट में रखे और एक्युमुलेटिंग देम अंटिल ही चेक्स आउट सेवरल पेजेस रिक्वेस्ट लेटर.
जिस तरीके से हम कार्ड में चीजें रखते हैं, सेलेक्ट करते हैं, लेकिन फिर अगर हमने उस बात उस टाइम परचेज नहीं किया तो दोबारा हम वापस आते हैं तो हमें वो कार्ट में मिलती हैं। ये सेशन ट्रैकिंग के जरिए होता है। Until he checks out several pages request later. Obviously, the server must distinguish between clients so the company can determine the proper item and charge the proper amount for each client. And इसमें ये भी हो सकता है कि कंपनी जो उसके न्यू विजिटर्स हैं उनको कुछ डिस्काउंट दे सकती है और जो ऑलरेडी हैं उनको भी वो डिस्काउंट उनके बेसिस पे दे सकती है। तो ये सेशन ट्रैकिंग काफी यूजफुल है। Another purpose of customizing on a client by client basis is marketing. Companies जो होती हैं वहाँ पे भी काफी useful है। Companies often track the pages you visit and throughout sites so they display advertisement and targeted to users browsing needs. To have the server distinguish between clients, each client must identify itself to the server. There are number of popular techniques for distinguish between clients. In this हम यहाँ पे अभी session tracking पढ़ रहे हैं। ये टेक्निक है। सेशन ट्रैकिंग इज वंडरफुली एलिगेंट एंड एवरी यूजर ऑफ साइट एसोसिएट विद जावा सर्वलेट एचटीटीपी सर्चिंग ऑब्जेक्ट दैट सर्वलेट कैन यूज टू स्टोर और रिट्रीव इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूजर। यू कैन सेव एनी सेट ऑफ आर्बिट्रेटरी जावा ऑब्जेक्ट इन अ सेशन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अ यूजर्स सेशन ऑब्जेक्ट प्रोवाइड्स अ कन्वीनियंट लोकेशन फॉर सर्वलेट टू स्टोर द यूजर्स शॉपिंग कार्ट कंटेंट। अ सर्वलेट यूजेस इट्स रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट गेट सेशन मेथड टू रिट्रीव द करंट एचटीटीपी सेशन ऑब्जेक्ट। This method returns the current session associated with the user making the request. If the user has no current valid session, this method creates one if create is true or return null if it create is false. To ensure the session is properly maintained, this method must be called at least once before any output is returned to the response. You can add data to the HTTP session with the put value method, and this method binds the specified object value under the specified name. Any existing binding with the same name is replaced. To retrieve an object from a session, use get value or public object HTTP session get value string name. This method returns the object bound under the specified name or null if there is no binding. You can also get the name of all the objects bound to session these session with get values names and public string and HTTP session get value name. This method returns an array that contains the names of all objects bound to this session or empty zero length array if there is no bindings. Finally, you can remove an object from session with remove value and public void HTTP session remove value string name. This method removes the object bound to specified name or does nothing if there is no binding. Each of these methods are throw a Java lang illegal state exception if the session be assessed in is invalid. Now a hit counting using session tracking. Hit counting number of times जो आपका client visit करता है। Let us understand the session tracking with a simple servlet to count the number of times a client has assessed. It is shown in हम एक example देखें। The servlet also displays all the binding for the current session just because it can. तो जो example आपके book में है आप देख सकते हैं, तो मैं आपको इसको थोड़ा सा explain कर सकती हूँ। The servlet first get the HTTP session object associated with the current client by passing true get session. It asks for session to create it if necessary. The servlet then get the integer object bound to same tracker count. If there is no such object, the servlet starts new count. Otherwise, it replaces the integer with the new integer value. So, value has been incremented by one. Finally, the servlet displays the current count and all the current name value pairs in the session. Now session tracking using persistent cookies. तो persistence मतलब क्या होता है कि हम जो cookies जो data है वो हमारा बाद में save होगा या हम उसको देखकर बाद में वो delete हो जाएगा। तो persistence का मतलब यही है। Another technique to perform session tracking is persistent cookie. A cookie is a bit of information sent by web server to browser is stored it on a client machine. ये client persistence cookies जो होती हैं ये client की machine पे save होते हैं, जबकि session tracking जो है उसका जो data है वो हमारे पास होता है, सर्वर पे होता है। सो बाय सर्वर टू ब्राउजर इज स्टोर्ड इट ऑन अ क्लाइंट मशीन दैट कैन लेटर बी रीड बैक फ्रॉम द ब्राउजर। परसिस्टेंट कुकीज ऑफर एन एलिगेंट एफिशिएंट वे टू इंप्लीमेंट सेशन ट्रैकिंग। कुकीज इन प्रोवाइड अस ऑटोमेटिक इंट्रोडक्शन फॉर ईच रिक्वेस्ट एज यू कुड होप फॉर ईच रिक्वेस्ट। A cookie can automatically provide client session ID or perhaps a list of clients preferences. In addition, the ability to customize cookies give them extra power and versatility. When a browser receives a cookie, it saves the cookie and thereafter sends the cookies back to the server. And each time it assesses a page on that server, subject to certain rules. Because a cookie value can uniquely identify a client cookie or of
fun, used for session tracking. Cookies were first introduced in Netscape Navigator, although they were not part of the official HTTP specification. Cookie quickly become a de facto standard supported in all popular browsers, including Netscape 0.94 beta and up Microsoft Internet Explorer 2 and तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हम डिस्कस कर सकते हैं. बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है ब्राउजर्स की कि जो ब्राउजर्स हैं वो ऑलवेज कुकी एक्सेप्ट नहीं करते हैं. समटाइम दिस इज बिकॉज द ब्राउजर डजंट सपोर्ट कुकीज एंड वर्जन 2.0 ऑफ सर्वलेट एपीआई प्रोवाइड जावा एक सर्वलेट एचटीटीपी कुकी क्लास फॉर वर्किंग विद कुकीज. द एचटीटीपी हेडर डिटेल्स फॉर द कुकीज आर हैंडल्ड बाय द सर्वलेट एपीआई. यू क्रिएट अ कुकी विद अ कुकी कंस्ट्रक्टर और पब्लिक कुकी स्ट्रिंग वैल्यू. दिस क्रिएट्स अ न्यू कुकी विद इनिशियल नेम एंड वैल्यू. A servlet can send a cookie to the client passing a cookie object to the और इसके लिए हम कोड क्या यूज करते हैं एड कुकी ब्रैकेट एंड मेथड एंड एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पॉन्स और एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पॉन्स एड कुकीज एंड कुकी कुकी. दिस मेथड एड स्पेसिफाइड कुकी टू द रिस्पॉन्स एंड एडिशनल कुकीज कैन बी एडेड टू द सब्सिक्वेंट कॉल टू एड कुकीज. बिकॉज कुकीज आर सेंड यूजिंग एचटीटीपी हेडर दे शुड बी एडेड टू द रिस्पॉन्स बिफोर यू सेंड एनी कंटेंट. ब्राउजर्स आर ओनली रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट 20 कुकीज पर साइट एंड 300 टोटल पर यूजर एंड दे कैन लिमिट ईच कुकी साइज टू 4096 बाइट्स. तो यू कैन सी एग्जाम्पल इन द बुक. And you can set number of attributes for a cookie in addition to its name and value. The following method are used to set these attributes. As you will see, there is more corresponding get method for each set method. The get method are rarely used, however, because when cookie is sent to the server, it can contains only its name and value version. Here are some of the methods the cookie listed below, which are used for session tracking. So you can see these. And first is specify the maximum age of cookie in second before it expires. A negative value indicates the value default that cookie should expire when the browser exits. A zero value tells the browser delete the cookie. The zero value kehta hai ki jo cookie hai wo immediately delete ho jayegi aur zero value tells the browser to delete the cookies and one or negative value indicates the cookies should expire the browser exits. Expire ho jayegi. Public int get mess. तो ये सारों के आप डिटेल्स पढ़ सकते हैं सारे मेथड्स की. नाउ वी कम टू डेटाबेस कनेक्टिविटी विद सर्वलेट्स. तो हाउ कैन वी कनेक्ट सर्वलेट टू डेटाबेस. दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ जेडीबीसी सर्वलेट विद देयर एंड्यूरिंग लाइफ साइकिल एंड जेडीबीसी अ वेल डिफाइंड डेटाबेस डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट डेटाबेस कनेक्टिविटी आर एलिगेंट एफिशिएंट कॉम्बिनेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ वेबमास्टर हु रिक्वायर कनेक्ट देयर वेबसाइट्स टू बैक एंड डेटाबेसेस. तो वी विल डिस्कस दिस topic in detail in our next video. These topics in next video. Video acha laga, if you like my video, so please share to everyone. Because it's give me motivation to make more and more videos.